गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, साथ ही एक नई वीडियो में। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ, और आपने पिछली वीडियो में देख ही लिया होगा कि मैं अभी हूँ हरिद्वार। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं किसी कारणवश जो है किसी कारण ट्रेवल नहीं कर पाया था, और वो कारण था पैसा। क्योंकि ट्रैवल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पैसा, अगर वही पास नहीं है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अब कुछ भाई बोलेंगे कि बिना पैसे के ट्रैवल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर जगह फ्री में नहीं घूमा जा सकता, कुछ जगह तो जो है पैसा खर्च हो गई। आप कितनी भी सस्ती जगह पर रुक जाओ या फिर कितना भी सस्ता खाना खा लो, कहीं ना कहीं तो आपको पैसा देना होगा, बिना पैसे के तो आप नहीं घूम सकते। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। शुरू में मैंने जो है वीडियो डाल ली, और उसके बाद जो है पैसा ना होने के कारण मैंने यूट्यूब पर जो है वीडियो डालने बंद कर दी, और लगभग 6 महीने तक मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। उस बीच मैंने क्या करा, उस बीच जो है मैंने छोटी सी जॉब करी, उसमें जो पैसा मेरे पास आया उससे मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ। और अब आगे से ऐसा नहीं होगा कि वीडियो नहीं आएगी, अब लगातार वीडियो आएगी। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो करो, ताकि एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा जो है ना थोड़ा ऊपर आए, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को तो वीडियो ने देख लिया होगा कि मैं हरिद्वार आया था, मैं अपने घर से चला था मेरठ से तकरीबन सुबह 6 बजे, और जो है मैं पहुंचा था हरिद्वार लगभग 9:30-10 बजे पहुंच गया था। उसके बाद जो है मैंने बाइक पार्किंग लगाई थी दीनदयाल उपाध्याय जो पार्किंग है वहाँ पर, मैंने अपनी बाइक जो है पार्किंग कर ली थी। और हाँ, मैं बस के थ्रू नहीं आया था, मैं बाइक लेकर के आया था अपनी, और मेरे पास कोई इतनी बड़ी बाइक नहीं है, स्प्लेंडर है, ठीक है, उससे मैं जो है ना थोड़ा घूम रहा हूँ, और उस पर एवरेज भी ठीक है, तो एवरेज कम होने की वजह से मैं उसको लेकर के आया था। क्योंकि बस के जो है ना, जो बस या ट्रेन का जो किराया है वो बाइक से थोड़ा महंगा ही होगा, तो बाइक का जो वो होता है एवरेज होता है जो, तो वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। मनसा देवी मंदिर में गया, उसकी चढ़ाई की, और मनसा देवी मंदिर की जो पैड़ियाँ होती हैं वो लगभग 300-350 के बीच में होती है, और मैंने जो मनसा देवी में जा कर के जो है प्रसाद चढ़ाया और वहाँ पर घूमा। उसके बाद जो है जैसे कि आप लोगों ने देखा है, उसके बाद मैंने जो है बाइक तो वहीं पर ही रह, बाइक जो है मैंने पार्किंग में ही रखी। उसके बाद मैंने जो है टेम्पो वालों से पूछा कि भाई मुझे चंडी देवी मंदिर जाना है, तो उन्होंने कहा कि 200 रुपये लगेंगे, टेम्पो वालों ने कहा। तो मैंने कही, मैं कहा भाई 200 रुपये तो नहीं, 4 किलोमीटर है दीनदयाल उपाध्याय जो बाइक पार्किंग है वहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर पड़ता है चंडी देवी मंदिर, तो मैंने जो है अपनी बाइक वहाँ से निकाल ली। और हाँ, एक बात और बता दूँ, बाइक पार्किंग का जो रेंट है वो 50 रुपये है, वो भी 6 घंटे के लिए, अगर 6 घंटे से ऊपर हो गया तो 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। उसके बाद जो है मैंने बाइक से ही चंडी देवी मंदिर गया, और वहाँ से उसकी जो नीचे पार्किंग है छोटी सी पार्किंग, वैसे पार्किंग तो नहीं है, पर हाँ दुकान वाले जो साइडों में दुकान लगा रखी है भैया उसकी देखभाल कर लेते हैं किसी की बाइक या गाड़ी वगैरह जो भी कुछ है। तो उसके बाद जो है मैंने चंडी देवी मंदिर की जो चढ़ाई है वो तकरीबन 2.5 किलोमीटर की है, और वो चढ़ने स्टार्ट की थी वो बिल्कुल सीधी कड़ी चढ़ाई है ऐसे, ठीक है, तो वो बहुत मुश्किल थी। फिर उसके बाद उसमें मंदिर में गया मैं लगातार, और मंदिर में से वापसी आया मैंने, इन दोनों की मंदिर की जो चढ़ाई है और प्रसाद चढ़ाने तक वो मैंने लगभग 3 बजे तक पूरा किया। मैं जो है मैं और मेरा दोस्त, एक दोस्त मिल गया था भाई जो कि था बिहार से, और दोनों ने जो है अपना गंगा जी जो है हर की पैड़ी पर गए, बाइक वहीं पर पार्किंग लगा दी दोबारा दीनदयाल उपाध्याय में। और उसके बाद जो है हम दोनों ने जो है हर की पैड़ी पर जाकर के हाथ मुंह वगैरह धो कर के और गंगा आरती के लिए बैठ गए थे पैड़ियों में। उसके बाद जो है हमने गंगा आरती की, जैसे कि मैंने आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो में, हम तो गंगा आरती के बाद हमने जो है
सीधा हम बाज़ार घूमने चले गए, वीडियो आपने देखी होगी। उसके बाद हमने रूम बुक किया और जो भाई मेरे साथ था उसकी ट्रेन थी 9:00 की, तो वो तो चला गया था। उसके बाद जो है मुझे रूम अकेले को नहीं दे रहा था कोई भी। फिर जो है आखिर में मतलब मुझे रूम मिला और मैं रूम में लेटा। तो उसके बाद जो है अच्छा से अपना रूम में लेट करके फिर सुबह अब उठाऊँ और आप लोगों से बात कर रहा हूँ। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताओ कमेंट में। और अभी भाई जो है न्यू चैनल है, बोलने का तरीका थोड़ा अभी ऐसा खास नहीं है, बोलने का अभी जो है ना बोलना सही ढाल नहीं सकता अभी कैमरे के आगे। उसके बाद जो है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना अभी इस बारे में जो है ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर जितनी जो वीडियो और लोगों की यूट्यूबरों की वीडियो देख देख कर जो मैं सीख रहा हूँ वो आप लोगों के सामने मैं भी उसी तरीके से जो है ना बोल रहा हूँ और बता रहा हूँ। अभी जो है भाई मैंने आपको पहली वीडियो में अपने बताया था इंट्रो में कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, पुअर फैमिली से, और ऐसा वो नहीं है। तो गांव की भाषा और शहर की भाषा में फ़र्क है, थोड़ा तो कोशिश करता हूँ कि ठीक तरीके से बोलूँ, वरना गांव की भाषा तो आपको पता ही है ठेठ भाषा होती है। पर फिर भी ठीक है, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो को आप प्लीज़ सेव और सब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जो है ना शेयर जरूर करो। और वीडियो कैसी लगी और क्या कमी है वीडियो में आप कमेंट करके बताओ और ताकि मैं आगे से वीडियो में सुधार कर सकूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल, अभी जो मैंने प्रोग्राम बनाया है आज का, तो मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश और देखता हूँ ऋषिकेश में कितना घूम पाऊँगा मैं कितना नहीं। और कैमरा पकड़ना नहीं आता उस तरीके से, ठीक है। कैमरा जैसे ले करके चलते हैं हम तो थोड़ा अजीब लगता है अपने आप को कि भाई कैमरा अभी ऐसा कोई कुछ कहना दे या फिर कोई कहना दे कि भाई यहाँ वीडियो बनाना मना है, वीडियो मत बनाओ ऐसा करके। तो अभी ठीक है, पर धीरे धीरे जो है ना आदत पड़ जाएगी। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो भाई, और मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखो। और ठीक है, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।